ये क्या हो रहा है यार? दिख रहा है पीछे, यहाँ पे पैसा लगता है क्योंकि ये एमपी है भाई। बीच रोड में होगी हमारी गाड़ी खराब। ये भाई जो लगे हैं देखो, ये जंगली एरिया में लगाई है इन्होंने गाड़ी। देखो मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि भाई हाँ ऐसी जगह मत ही रुको। आज हमारी गाड़ी का ना त्रिपाल, रस्सा त्रिपाल पूरा खुल गया है और ये एंगल भी खुल रहे हैं क्योंकि लोड ये ऐसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हो रही है, इस कंपनी में हो रही है हमारी गाड़ी आज लोड। टायर की जो तारे जो होती है ना वो हम लोग ले जा रहे हैं देखो, और इसके लिए हमें अपनी गाड़ी को पूरी तरह से खोलना पड़ा है। इसके जितने भी एंगल थे ऊपर वाले वो सारे निकाल दिए हैं और देखो वहाँ पे अब हो रही है यहाँ से लोड अपनी गाड़ी, यहाँ से उठा रहे हैं ये और तब कर रहे हैं यहाँ पे लोड। ये होगी हमारी गाड़ी लोड और अभी हम लोग आए हैं कांटा करवाने के लिए। बट यार एक दिक्कत और होगी, ये देखो इस टायर में ना हवा कम है तो हो सकता है कि अब ये टायर अब चेंज करना पड़ेगा। हो क्या सकता है ये टायर चेंज करना पड़ेगा या फिर टायर वाले होंगे, हवा कम होगी तब तो ठीक हो जाएगा हवा डाल के। बट मेरे को लग रहा है कि अब साइड में लगा के गाड़ी को टायर चेंज करना पड़ेगा। और ये हुआ है देखो हमारी गाड़ी में लोड, टायर के जो तारे जो होती है ना वो हमारी गाड़ी में आज लोड हुई है। गैस यार हुआ ये है ना कि ये वाला जो पाइप जो ऊपर जो रखा हम लोगों ने, ये वाला देखो, इसको ना मैंने यहाँ पे डाला था और उससे पता नहीं कौन से तार के साथ ये टच हुआ और उससे गाड़ी बंद हो गई। अब इसके बाद यहाँ से निकाल के इसको ऊपर तो रख दिया है और अब आगे भाई चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है। पर साइड फोन भाई और साइड आगे लग रहता है बीच रोड में होगी यार गाड़ी खराब। देखो एक में नहीं है, एक में आ रहा है इस वाले में ना, इस साइड को हवा ही कम होगी। अब हवा डल जाए तो फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट तो होगी है। बट पहले नहा लेते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं क्योंकि भाई देखो क्या हालत बनी है। अभी नहाना है और उससे पहले जो है वो रस्सा त्रिपाल डालना है। रस्सा त्रिपाल डालते हैं फिर नहाते धोते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल गए हैं यहाँ से हिसार के लिए। जय शंकर सभी को, कैसे हैं आप लोग? गाइस मैं हूं इंदौर, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज हम लोग हैं ग्वालियर एमपी में, हम लोगों ने लाया था श्रीनगर से यहां के लिए एप्पल और अभी हम लोग यहां से जा रहे हैं हिसार हरियाणा के। यहां से हम लोगों ने लोड किया है तार को, जो टायर की तार जो होती है उनको हम लोगों ने यहाँ से लोड किया है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जी। और यार
आप लोगों को पहले बोला मैंने कि बाद में बताता हूँ कि गाड़ी खराब क्यों हुई थी। एक्चुअली हमने ना ऊपर से जो जो लोहे की पाइप ऊपर जो लगती है ना उसको निकाल के नीचे रख दिया था कि हाँ अपने कन्वेंसर, और वो जो है ना बैटरी की किसी तार से टच हो गई और उस वजह से जो है ये गाड़ी अब सेंसर वाली है और उस वजह से गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो गई। उस वजह से हमारी गाड़ी बीच रोड में खड़ी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखो गाड़ी को ठीक किया, उसके बाद गाड़ी का तरपाल डाला, फिर उसके बाद मुँह हाथ धोए क्योंकि यार नहाने के लिए तो पानी अच्छा था नहीं, तो अभी हम लोग नहाए नहीं है और नहाने के लिए पानी अच्छा नहीं था तो कैसे नहाना था, मुँह हाथ धोए। अभी आके देखते हैं आगे कहीं पर अगर पानी अच्छा मिलता है तो वहाँ पे जाके नहाते हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं हिसार के लिए, अभी हम लोग 4 बजे यहाँ ग्वालियर से निकल रहे हैं और यहाँ से जो सफ़र जो बता रहा है वो 550 किलोमीटर के आसपास बता रहा है। ये अगर पूरी नाइट आज हम लोग चलते हैं तो मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे, वैसे इतने ही चलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यार आराम से पहुंच सकते हैं हम लोग मॉर्निंग तक। और मतलब ये भी नहीं है कि हाँ हमें मंडी लगानी है गाड़ी, तो आराम से चलेंगे आज। आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की सड़कों से वीडियो बना के दे रहे हैं, कैसा व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ का वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि अभी फ्लाई ओवर के ऊपर चल रहे हैं तो उस वजह से जो है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। कितना टन पास कर दस जगह कौन भाई से भारत रेंज वाला से अभी हम लोग जो है ना एमपी बॉर्डर को बाय बोल रहे हैं। और एमपी में एक चीज़ है गाइस, चाहे आप कहीं पे भी ड्राइवर भाइयों को तो सभी को पता ही होगा कि चाहे आप एंट्री करो एमपी में या आउटिंग करो कुछ भी करो आप लोगों से पैसे लिए जाएंगे। चाहे आप एक दिन में 10 बॉर्डर क्यों नहीं करते हो एंटर, मतलब जैसे इधर से भी जा रहे हो फिर उधर से निकल रहे हो, इधर से जाके फिर उधर से निकल रहे हो, ऐसे ऐसे अगर जा रहे हो ना जहाँ जहाँ पे मतलब एमपी के आपको बॉर्डर मिलेंगे वहाँ पे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि उस पैसों की ये लोग पर्ची नहीं देते हैं, कहीं कहीं पे जहाँ पे बड़े बॉर्डर लगे हैं ना जहाँ पे बैरियर लगे हैं वहाँ पे तो पर्ची मिलती है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हुआ है बोलना, क्या यार दिख रहा है पीछे, जैसे कहीं पे बड़ी जहाँ पे चेक पोस्ट होती है वहाँ पे तो आपको पर्ची मिलेगी, बट जैसे यहाँ पे जो थी ना यहाँ पे सड़क पे ही खड़े हैं बस, आ रहे हैं गाड़ी के पास आ रहे हैं और मांग रहे हैं पैसे और बस बात खत्म। यहाँ पे पैसा लगता है क्योंकि ये एमपी है भाई। ये हम लोग पहुंच गए हैं जी मथुरा में, गांव महजन थ्रा, जिला मथुरा।
मथुरा में पहुंच गए भाई, कर रहे हैं फ्रंट ग्लास को क्लीन, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, तो भाई खुद ही लगे हैं। और ये है हाईवे। अभी अगर टाइम आप लोगों को बताऊं तो टाइम 7:15 हो गए हैं। आज यार लेट होगी ये वीडियो, क्योंकि आज पूरा दिन ना हमारे लोडिंग का था, तो उस वजह से वीडियो आज की जो है वो लेट होगी है। और अभी चल रही है मेरी एडिटिंग। भाई शाम का टाइम हो और ये वाली चाय हो, कुल्लड़ वाली चाय हो, तो भाई फिर तो मज़े ही मज़े। मिट्टी के गिलास में, ये मिट्टी के गिलास में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हम लोग मथुरा में पहुंच गए हैं और भाई अभी इसके बाद जो है वो रात को हम लोगों को सफ़र करना है, हिसार पहुंचना है। तो इसके बाद जो है भाई ने गाड़ी को चमका दिया, मैं तो एडिट कर रहा था, तो भाई ने गाड़ी को चमका दिया, मैं चाय पीने के लिए निकला, पीछे से आगे को चाय पीने के लिए आया हूँ। अब थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग बची की है, उसको डन करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज का जो है ना भाई, आज हमारा रात का सफ़र है, आज आपको नाइट सफ़र दिखाएंगे। दिन का तो आपको दिखाते रहते हैं, आज नाइट में चलेंगे, नाइट में आप लोगों को दिखाएंगे। वो तो टायरिंग करने को हो गया है। चलो कोई नहीं, जाओ फिर पहुंचो। ये है मथुरा का बाजार, मथुरा सिटी है ये देखो। और जिस तरह की सजावट है, जिस तरह का रोड है, उससे लग भी ये रहा है कि भाई मथुरा है। देखो मंदिर, इस तरफ कोई मंदिर है, और मंदिर में जिस तरह की सजावट कर रखी है, तो उससे ये शो होता है जय गुरु। साथ में टूटा भी था रोड, बट अब मथुरा से आगे का जो रोड है वो काफी अच्छा है और गाड़ी की स्पीड भी मेंटेन हो गई है, जैसे 60+ जो है हमारी वो स्पीड भी मेंटेन हो गई है। और इसमें ना ये होता है कि यार हमें पता है कि 1 घंटे में 50-60 किलोमीटर निकलना ही निकलना है, बाकी जहाँ पे रोड टूटी होती है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिस वजह से फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखो ये अंदर को बोलता है कि मथुरा शहर, मथुरा सिटी जो है वो अंदर को है, ये लिखा है देखो ऊपर, दिख रहा है अब दिखा, और दिल्ली आगे को वृंदावन और गोवर्धन के लिए। देखो रास्ता कहाँ से जाता है, देखो गोवर्धन के लिए यहाँ से जाता है, वृंदावन के लिए आगे से ऐसा घूम जाता है, इस तरफ को गोवर्धन रह जाता है ना, देखो लिखा है ना ऊपर गोवर्धन इस साइड को और वृंदावन इस साइड को। यार ट्रक में देखो होता ही है, आने को तो हम आते हैं बट ना ऐसी जगह नहीं जा पाते, बट देखो वृंदावन तो नज़दीक ही है भाई, ये ऊपर लिखा है देखो वृंदावन। अरे यार काश हम लोग दिन को आए होते तो जाते वृंदावन यार। ये देखो इतने अच्छे से वो ना, हमने सिर्फ ये चीजें ना गाइस ओनली, हाँ ये चीजें हमने ओनली उनमें सीरियल में देखी है, महाभारत में देखी है और श्री कृष्ण के जो सीरियल आते थे उनमें देखी है, बट यार अब देखो अब बहुत बड़ा है भाई ये एरिया वृंदावन आ रहा है। कृष्ण जी का जन्म स्थान है ये। और देखो अब यार बड़ी गाड़ी है, पार्क करने के लिए देखना पड़ेगा, फिर हर एक चीज बड़ी गाड़ी में सोचनी पड़ती है, छोटी गाड़ी होती तो कहीं भी पार करके हम लोग भी जा सकते थे ना। चलो ये होता है ना गाइस, जब बोलते हैं ना कि भगवान के पास हम खुद नहीं जाते हैं, जब भगवान की मर्जी होती है ना तो हम कहीं पे भी हो पहुंच जाते हैं, बस ये है, जब भगवान ने बुलाना हो ना तो हम कहीं पे भी हो सीधे ही पहुंच जाते हैं। तो चलो इतने दर्शन हो गए, वृंदावन के दर्शन हो गए हमारे लिए, वही हम इतने बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें वृंदावन के दर्शन तो हो गए, बाकी कभी चलो श्री कृष्ण जी ने चाह तो हम लोग वृंदावन भी जाके आएंगे, अच्छे से अंदर वाला जो ये वाला जो एरिया जो है वृंदावन का ये भी घूम लेंगे। आज का जो डिनर है हमारा वो थोड़ा पलवल से पीछे हम लोग रुक गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने डिनर अपना कर लिया है, और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं पलवल।
सफर का अगर आप लोगों को बताऊं तो 250 किलोमीटर सफर हम लोगों ने कर लिया, 250 जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। अभी वैसे यहाँ पे 250 बता रहे हैं बट भाई बोल रहे हैं कि बोलते हैं बढ़ेगा सफर और ज़्यादा बढ़ेगा सफर, तो देखते हैं 250 से 300 किलोमीटर का होगा, तो 250 से 300 किलोमीटर हमारा भी बच जाता है रात का सफर। और अगर रोड अच्छा हुआ जैसे पीछे का था हमारा तो हमने 250 किलोमीटर जो है वो 4-5 घंटे में कर लिया था, जैसे हम 4 बजे चले थे तो 9 बजे तक हम लोगों ने 250 किलोमीटर कर लिया था। बट अगर उसी तरह का रोड आगे होगा तब तो भाई आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे और फिर हमारी नींद भी मॉर्निंग होने तक जो है वो पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं कि रोड आगे कैसी मिलती है, और रोड अगर अच्छी मिलती है तो फिर सफ़र करने का भी मज़ा आता है, आप लोगों के साथ बात करने का भी मज़ा आता है। आज का खाना जो था हमारा वो सेव भाजी थी और फिर उसके साथ तंदूरी रोटी थी। बट यार होटल वालों ने जो वो रोटी देने में थोड़ा टाइम लगा रहे थे, बाकी तो मज़ा आ गया। ये वाला रोड जा रहा है वहाँ देखो दिल्ली के लिए, और हम लोगों ने ले लिए यहाँ से वाया कुंडली होके। अब तक वहाँ पे 6-लेन हाईवे था, अब देखो 2-लेन हाईवे में हम लोग आ गए हैं। बट आगे जाके मिलेगा वहाँ पे, यहाँ से आ रही है गाड़ियाँ वहाँ पे निकल रही है देखो। ये तो शॉर्टकट ले लिया था हमने, नहीं तो घूम के जाना पड़ना था हमें वहाँ से। वैसे कितने लोगों ने रात का सफ़र किया है जो अभी रजाई में बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना, वो ज़रा कमेंट भी कर दो रजाई में बैठे बैठे यार, कि रात को आप लोगों ने कभी कैसे सफ़र किया है, कि हाँ नई नई सड़कें मिल रही है, नए नए लोग मिल रहे हैं, अटपटे लोग भी मिलते हैं कुछ एक, तो क्या आप लोगों ने किया इस तरह का रात को सफ़र जो रात के 10-12 बजे के बाद होता है, जैसे 12 बजे के बाद का जो सफ़र जो है। अभी अगर आप लोगों को टाइम बताऊँ तो जैसे अभी तो 10:15 हो रहे हैं, बट अभी हम लोगों ने रात को भी करना है सफ़र ना, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कभी ऐसा सफ़र किया है रात को। और ऐसे जब सिटी की बात आती है तो फिर भाई वो अलग बात है ना, देखो अब आ गया दोबारा से 6-लेन हाईवे, 6-लेन ही है ये तो, 1, 2, 3, 4 8 लेन हाईवे हो भाई, 8 लेन हाईवे आई आज, नहीं 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 यार 6 लेन ही है, यहाँ तक ही था ये 8 लेन तो। बोलते धन्यवाद पुनः आपका आगमन प्रार्थनिया है। और दूसरी बात ना गाइस, आजकल ना जैसे चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात हो चाहे नॉर्मल रोड की बात हो, जब आप लोग रात को सफ़र करते हैं ना तो कहीं पर नहीं रुकना है, अगर टायर पंक्चर होता है तो तब भी एक ऐसी जगह पर रुको कि जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार ये सेफ है, बाकी इधर उधर कहीं नहीं रुकना है। अगर आप ऐसे रोड में चल रहे हो ना रात को तो कहीं पे नहीं रुकना है। कुछ एक लोग क्या करते हैं कि यार पेशाब करने के लिए रुक जाते हैं कि नहीं यार बड़े जोर की आई है साइड में उतर के कर लेता हूँ, तो भाई वो गलती होती है यार, ढाबे पे रुक लो, चाय भी पी लो और साथ में एक नंबर भी कर लो, इससे क्या होगा कि आप सेफली पहुँच भी जाओगे। और अगर ऐसी जगह पर अगर आप लोगों ने रुकने की गलती की तो फिर आपको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज आप लोगों को वीडियो के थ्रू ये जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि रात को ना कुछ एक ऐसे लोग हैं ना जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशा करते हैं, तो उन लोगों को अब भाई ड्रग्स के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, तो वो लोग इस तरह का काम करते हैं, ठीक है ना। रात को बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन लोगों ने अपना ठिकाना बनाया होता है, कि उनको पता होता है कि ट्रक यहाँ पे लगेगा, जैसे अब ये एक्सप्रेस वे है ना तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी जगह बाहर को होगी तो वहाँ पे भी उन लोगों के ठिकाने होते हैं, जैसे मतलब कुछ एक होते हैं ना कि नहीं यार सड़क थोड़ी सी खुली होगी तो वहाँ पे अगर ट्रक आ, जैसे आप यहाँ पे तो चलो दुकान है, अगर ऐसी जगह बाहर कहीं मिल जाती है आपको और वहाँ पे अगर आप लोगों ने लगा दी जहाँ पे एक अनजान सा एरिया है तो फिर भाई वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं सभी लोगों को यही बोलूँगा जो रात को सफ़र करते हैं अनजान जगह पे कहीं पे ना रुके, अगर रुकना है आप लोगों को तो एक ढाबे पे रुके, एक स्क्वेयर ढाबे पे रुके, और जहाँ पे आप लोग सेफली जो है अपना आराम भी कर सको और उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू कर पाओ। ये है नूर एरिया है। देखो मैं आप लोगों को बोल रहा था इसे रखे भाई फिलहाल गड्डियों पास में तुलंद इसे रखे, मतलब इस साइड रखे गड्डी। देखो ये भाई जो लगे हैं, देखो ये जंगली एरिया में लगाई है इन्होंने गाड़ी। देखो अब भले ही गाड़ियाँ तो चल रही है इस रोड में, ये नहीं है कि नहीं चल रही है गाड़ियाँ, ठीक है चल तो रही है,
बट फिर भी कोई पता नहीं है कि कौन कहां से कब निकल जाए, ठीक है ना। अब गाड़ी वाले निकल रहे हैं जैसे हम निकल रहे हैं, हम अपने ध्यान से आगे देख के निकल रहे हैं। अब किसको क्या पता कि हाँ इधर उधर से कौन कब निकल जाएगा। तभी मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि भाई हाँ ऐसी जगह मत ही रुको, अपने धीरे धीरे निकलो। अगर टायर भी पंक्चर हो जाता है आप लोगों का ना, चलो फ्रंट के होते हैं तब तो वो अलग बात है, बट अगर पीछे के अगर आप लोगों के टायर पंक्चर हो जाते हैं ना, तो निकलने की रखो ऐसी जगह से। फिर जब अच्छी जगह मिलती है ना डाबे डूबे, वहाँ पे जाके चेंज कर लो। ये जंगली एरिया यार, यहाँ पे रुकना कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी अब क्यों रुके हैं भाई वो तो उनको ही होगा पता।